सब्सक्राइब कीजिए अर्निंग टिप्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अर्निंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपना गोल्ड को सेल करके उसका जो पैसा है वो अपने किसी भी बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। गाइज, अगर आपने पेटीएम का 2 पे 21 ऑफर अप्लाई किया होगा तो शायद आपके पास भी दोस्तों कुछ ना कुछ गोल्ड पड़ा होगा। तो अगर आप दोस्तों उस गोल्ड को सेल करके उसका जो पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेने जाते हैं और ट्रांजेक्शन करते हैं तो गाइज आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो जा रहा है दोस्तों। किसी किसी अकाउंट पर ऐसा हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपको यही बताऊंगा कि किस किस अकाउंट पर अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे गोल्ड को सेल करके तो आपके उसका ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो जाएगा, एंड किस किस अकाउंट पर आप दोस्तों गोल्ड को सेल करके उसका जो पैसा है अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो गाइज अगर आप भी इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइज हमारे चैनल पर जो है डेली एक गिव वे चलता है, अगर आप भी गिव वे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पेटीएम कैश जीतना चाहते हैं, तो उसके लिए गाइज आपको जो है वीडियो को लाइक करना होगा, साथ ही साथ आपको एक कमेंट करना होगा। कमेंट में गाइज अपना पेटीएम नंबर ज़रूर दीजिएगा। गाइज जो मैं गिव वे के विनर अनाउंस करता हूँ दोस्तों, अगले दिन जो मेरी सबसे पहली वीडियो आती है मैं उसी में ही अनाउंस करता हूँ। तो गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गिव वे में दोस्तों पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। गाइज सबसे पहले आपको जो है अपना मैं दिखा देता हूँ। गाइज मेरे पास एक नॉन KYC अकाउंट है एंड मेरे पास एक KYC अकाउंट है। गाइज जो पेटीएम का जो 2 पे 21 गोल्ड ऑफर आया था गाइज, मैंने जो है अपने दोनों ही अकाउंट पर इस ऑफर को अप्लाई किया था, एंड गाइज मुझे जो है दोनों ही अकाउंट में 21 रुपीज़ का कैशबैक मिल गया था। और गाइज मुझे साथ ही साथ जो मैंने गोल्ड परचेस किया था पूरा का पूरा दोस्तों मेरे जो है लोकल में मिल गया था। लेकिन दोस्तों मैंने जो है अपने KYC अकाउंट पे जैसे ही गोल्ड को दोस्तों सेल किया तो कुछ टाइम के लिए वो पेंडिंग में मेरा ट्रांजेक्शन पड़ गया दोस्तों। लगभग 2 से 3 घंटे के बाद मेरा जो पैसा है मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया। लेकिन दोस्तों मैंने जब अपने नॉन KYC अकाउंट में गोल्ड को दोस्तों मैंने सेल किया तो मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो गया। तो गाइज मैं अभी जो है आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं इसका आपको अभी प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने जो है दोस्तों किस अकाउंट पर जो है गोल्ड को सेल करके उसका जो पैसा अपने बैंक अकाउंट में लिया है, एंड गाइज मैं जो है अपने किस अकाउंट पर गोल्ड को सेल नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो है ये अकाउंट है दोस्तों नॉन KYC है। गाइज मैंने जो है इसमें अपना KYC कंप्लीट नहीं किया जाए, तो आप देख सकते हैं मैं अपनी पासबुक में जाकर दिखा देता हूँ। मेरे पास दोस्तों एक ही ऑप्शन शो हो रहा है पेटीएम वॉलेट का। दोस्तों मेरे जो पेटीएम वॉलेट में है 21 रुपीज़ है, क्योंकि मैंने पेटीएम का 2 पे 21 ऑफर अप्लाई किया था नॉन KYC अकाउंट में, तो गाइज मुझे जो है 21 रुपीज़ का कैशबैक रिसीव हो गया। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मैं गोल्ड सेल करने जाता हूँ दोस्तों मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पास जो है लगभग 41 रुपीज़ का यहाँ पे गोल्ड पड़ा हुआ है। अगर गाइज मैं इसको सेल करने जाता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा गाइज ये जो है मुझे जो है फेल्ड बोला जाएगा। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है अपने एक पेटीएम के नॉन KYC अकाउंट से गाइज अगर मैंने जो है आपके सामने ये गोल्ड सेल करके आपको दिखाया है तो गाइज क्या हुआ था जो है 1 से 2 मिनट के लिए दोस्तों जो मेरा ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो गया था। लेकिन दोस्तों 2 मिनट के बाद जब मैंने इसको देखा तो गाइज मेरा ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी नॉन KYC अकाउंट से गोल्ड को दोस्तों सुबह मॉर्निंग में लगभग 10 या 11 बजे के टाइम पर दोस्तों अगर आप गोल्ड को सेल कर रहे थे तो आपका दोस्तों ट्रांजेक्शन है वो फेल हो रहा था। लेकिन गाइज अगर आप अभी अगर अपना जो गोल्ड है वो सेल करेंगे दोस्तों आपका जो है 1-2 मिनट के लिए ट्रांजेक्शन दोस्तों शायद फेल्ड हो सकता है, लेकिन दोस्तों 2 से 5 मिनट के बाद आपको ट्रांजेक्शन है वो फाइनली सक्सेस हो जाएगा, एंड गाइज आपको जो पैसा है विद इन 24 आवर्स से पहले पहले आपके बैंक अकाउंट में रिसीव कर दिया जाएगा। जो भी किसी बैंक अकाउंट की आपने डिटेल्स वहाँ पर मैंशन की होगी उसी अकाउंट पर गाइज आपको जो पैसा है वो रिसीव होगा। तो आपके पास जितने भी पेटीएम के अकाउंट है आप जो है उन सब अकाउंट पर पेटीएम का जो है दोस्तों 2 पे 21 ऑफर को अप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों। उसके लिए आपको जो है पेटीएम के हर एक अकाउंट में लगभग 18 रुपीज़ का दोस्तों बेनिफिट बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। लेकिन गाइज अगर आपके पास एक मेन अकाउंट है कि जिसमें आपने KYC कंप्लीट किया हुआ है, बाकी के दोस्तों अगर आपके पास नॉन KYC अकाउंट है तो आपके पास जितने भी नॉन KYC अकाउंट है आप उन सब अकाउंट में दोस्तों इस ऑफर को अप्लाई करके जो अभी आपके पास दोस्तों हर एक अकाउंट में गोल्ड होगा आप जो है उस गोल्ड को अपने एक मेन अकाउंट में दोस्तों जो है सेंड करके जो है अपने मेन वाले अकाउंट से ही गोल्ड को सेल करिएगा दोस्तों, आपको जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन गाइज अगर आप अपने नॉन KYC अकाउंट से गोल्ड को सेल करेंगे शायद आपको जो है कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन गाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया है आप जो है गोल्ड सेल करिएगा ज़्यादातर तो आपने जो है जिसमें आपने जो है अपनी पूरी की पूरी KYC कंप्लीट की हुई है उसी अकाउंट से अगर आप गोल्ड सेल करेंगे गाइज आपको जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइज अगर आपको जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर गोल्ड को सेंड नहीं करना आता उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। गाइज उसके लिए सिंपली आपको जाना है गोल्ड वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप जाएंगे आपको जो है ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गिफ्ट का। जैसे आप गिफ्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे गाइज आपको जो है मोबाइल नंबर देने को बोला जाएगा एंड नीचे में आपको अमाउंट देने को बोला जाएगा। सो गाइज आपका जो मेन वाला KYC अकाउंट है आप जो है उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा एंड नीचे में गाइज आपके पास जितना भी गोल्ड है आप जो है इतने ही अमाउंट डालने के बाद जो है प्रोसीड पर जैसे क्लिक करेंगे
तो कैसे आपका जो नॉन केवाईसी वाले अकाउंट का गोल्ड है वो आपके मेन केवाईसी अकाउंट में दोस्तों पहुंच जाएगा। तो आप जो है अपने मेन केवाईसी अकाउंट से गोल्ड को सेल कर लीजिएगा एंड गाइज आपको जो पैसा है बहुत ही आसानी से आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। सो कैसे अगर आपके पास 5-6 मोबाइल नंबर है तो आप बहुत ही आसानी से हर एक पेटीएम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड हर एक अकाउंट में लगभग 18 रुपीज़ बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हैं। लेकिन गाइज आपको जो गोल्ड सेल करना है ज़्यादातर वो अपने केवाईसी अकाउंट से करना है तो आपको जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइज अगर आपने अभी तक पेटीएम का 2 पे 21 ऑफर जो है अप्लाई नहीं किया है गोल्ड वाला तो उसके लिए दोस्तों मैंने जो एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली आप उस वीडियो को देखने के बाद अपने हर एक अकाउंट में दोस्तों जो है इस ऑफर को अप्लाई करने के बाद 18 रुपीज़ लगभग आप अपने हर एक अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो ऑफर आपको बताया काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। और गाइस साथ ही साथ आप जो है गिवअवे में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, शायद आप भी दोस्तों विनर बन जाए और हमारे चैनल की ओर से शायद आपको जो है कुछ ना कुछ पेटीएम कैश रिसीव हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।